भाई साहब आज हमें पंजाब में सरहंद के पास और यहाँ पे मुझे दिखी एक फॉर्चुनर, जहाँ पे भाई एक ढाबा चल रहा है, फुल ब्लोन ढाबा। और फॉर्चुनर तो आपको पता है कि भाई हम सबकी सपनों की गाड़ी होती है, और पाजी ने यहाँ पे फॉर्चुनर लेके एक ढाबा शुरू कर लिया। पाजी सत श्रीकाल। पाजी क्या हाल चाल है जी? फतेह जी। बाबा जी की हाल चाल है जी? बाजी पहला तो ये दसो, सबसे पहले ये बताओ कि ये जो ढाबा है आपने फॉर्चुनर में लगाया है, मतलब टोयोटा की फॉर्चुनर, पंजाबियों को तो वैसे बहुत पसंद है फॉर्चुनर गाड़ी में घूमना, गेड़ी मारना, तो आपने ढाबा चला दिया। जैसे आप बोल रहे पंजाबियों की पसंद है जी, वो जो यही पसंद है लोगों को बताने के लिए। लोग दूर से देखे आते यार पंजाबी अगर ये काम करता तो पंजाबी कर सकते हैं। लोगों में दिखे हम, दूर से लोग पीछे मुड़ के आते हैं दोबारा। पाजी ये जो गाड़ी आपने ली है ये शौक के लिए ली थी कि वैसे एक्चुअल में ढाबे के लिए ली है? जब हमने गाड़ी ली थी सिख कौम के प्रचारक हैं, अच्छा, प्रचार करने के लिए ली थी हमने। कीर्तन करते हैं, अभी करते हैं, कभी कभी जाते हैं। अच्छा आप कीर्तन रागी जत्था आपका? रागी जत्था हमारा। अरे वाह जी, जत्था हमारा, हम कीर्तन करते हैं सर। जी जी जी। और कीर्तन करने के लिए हमने गाड़ी ली थी। अच्छा, मगर थोड़ा हमारी फील्ड जो है जी उसमें अभी सरकार नहीं है, लोगों पैसा है मगर हमारे प्रचारकों के ऊपर नहीं खर्चना चाहते। जी 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 जी। इसलिए हम गाड़ी उस काम के लिए थी जी, मगर हमने ये काम शुरू किया तो हमसे इसमें बहुत हमें बेनिफिट है। भाजी क्या क्या होता है अपने पास? सर हमारे पास कढ़ी चावल होता है जी, राजमा चावल होता है जी, लस्सी होती है जी, और आगे हम नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ जी हम मक्की की रोटी, सरों का साग। अच्छा, शुरू करने वाले हैं। क्या बात है, साग और मक्की की रोटी भी आने वाली है, जबरदस्त। और पाजी फिलहाल क्या है अभी? फिलहाल सर अभी तो सब कुछ खत्म हो चुका है। अच्छा, अभी हो रहे 3:15 और जो सब कुछ बढ़ चुका है, बट जो थोड़ा बहुत सेटअप है आप दिखाइए प्लीज। हाँ जी सर, सेटअप जरूर दिखाइए। जी जी जी। तो ये देखो बहुत ही साफ सुथरा सा सेटअप है, यहाँ पे लिखा हुआ कढ़ी चावल 60 रुपए, राजमा चावल 70, लस्सी 20, और इधर सीट्स को फोल्ड करके पाजी ने एक सेटअप पूरा बनाया हुआ है। ये अंदर है जी कढ़ी, और कढ़ी एकदम जबरदस्त लग रही है, गाढ़ी कढ़ी। और अभी खत्म हो चुके हैं पकौड़े, चटनी होते हैं बट अभी खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया सारा कुछ। जी जी, हम लेट हो गए टाइम से, तो आज हमें खाना नहीं नसीब हुआ। तो अगर किसी को आना हो यहाँ पे तो किस टाइम पे आना चाहिए? सर हमारा जो टाइम है 11 से लेकर 3:30 बजे तक का टाइम। जी जी जी। कभी हम 2:30 बजे भी फ्री हो जाते हैं। अच्छा, हमारा ग्राहक जो पक्का है, हमारा ये हमारी पहचान फॉर्च्यूनर गाड़ी है। अच्छा, ये हम देख के लोग दूर से आते हैं, स्पेशल भी आते हैं हमारे। जी जी जी। इसलिए हमारा टाइम जो है टाइम से पहले ही कम हमारा जो खत्म हो जाता है। मैं समझ गया। पाजी एक बार वैसे बर्तन दिखा दो जो चावल वगैरह एकदम, ये इसमें चावल होते हैं जी, इधर राजमा की ग्रेवी भी होगी थोड़ी बहुत शायद। ये देखो भाई साहब इसके अंदर डोलू डाल रखे हैं, राजमा भी खत्म है, और इसमें क्या है सर? चटनी होती है। अच्छा चटनी, तो चटनी, राजमा, कढ़ी, चावल आपको सब मिल जाएगा, साथ में लस्सी मिल जाएगी। और पाजी एक एग्जैक्ट लोकेशन बता दो अपनी। सर हमारी ये सरहंद शहर है सर जी, सरहंद शहर से पहले खानपुर पॉइंट पड़ता है जी, ये हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है सर। मैं समझ गया। तो बेसिकली अभी हम 3:15 बजे आए हैं, तो यहाँ पे अभी खान पान जो है वो बढ़ चुका है, पर अगर 11:30 आप आओ तो यहाँ पे मिल जाएगा सर। जबरदस्त। फॉर्चुनर वाले ढाबे का खाना तो आज नसीब नहीं हुआ, बट ऐसा करते हैं ना, हम आगे चलते हैं, आज चंडीगढ़ की तरफ बढ़ते हैं और खाना कुछ एक्सप्लोर करते हैं। चंडीगढ़ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने नोट करी हुई है, और कुछ चीजें आप भी बता दो चंडीगढ़ में अगर कुछ नया है। भाई साहब हरिया रोडवेज के एक और धारावाहिक में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका अपना हरिया। और भाई आज मैं हूँ मोहाली में, और आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त जायके, चटोरी, स्वाद और भाई साहब चटाखे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ। भाई आज नेक्स्ट लेवल के भी ऊपर वाला जो लेवल होता है, मतलब मुझे पता नहीं, वो आप कमेंट करके बताओ कौन सा होता है, वो वाले लेवल पे आज हम जाने वाले हैं इस वीडियो के साथ। भैया नमस्कार। नमस्ते सर, क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया सर, आप बताइए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम दिया। जी सर बिल्कुल। सर सबसे पहले तो ये बताओ कि कितने साल से ऐसी मेहनत वाली पाव भाजी बना रहे हो? सर यहाँ पे 24 साल हो गई, 99 से लगा रहे हैं इसी जगह पे। पहले लिबर्टी हॉस्पिटल के बैक साइड लगाते थे। अच्छा जी। लेकिन पिछले साल कुछ थोड़ा कमेटी वालों को, कॉर्पोरेशन वालों का पंगा करके थोड़ी रेडी हमारी वहाँ से इधर करवा दी है। जो असली पाव भाजी जो यहाँ पे आई थी सबसे पहले आप ही की आई थी? सबसे पहले हमारी ओरिजिनल पाव भाजी है सर, बाकी उसके बाद में हमारी यहाँ से कॉर्पोरेशन का पंगा होने के बाद में हमने शॉप ओपन करी है यहीं 3B2 में। जी जी जी। बाकी कई भी हमारे ब्रांड के नाम से कई भी अगल बगल में खुल गई है जी। हमारा नाम लेके तो वो भी ये बोल देते हैं कि पुरानी यही है, लेकिन मैं ही कहता हूँ कस्टमर से ब्रांडेड हमारा चेहरा है जी। तो आपका जो फेस है वही ब्रांड है। पाजी ये बताओ बना क्या रहे हो, तड़का कौन सा लगा रहे हो? कसूरी मेथी की खुशबू आ रही है। कसूरी मेथी डाल दी है, ऑनियन डाल दी है। अच्छा, बटर के साथ में ही तड़का लगाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अमूल मक्खन के साथ तड़का लगाते हैं पाव भाजी को। और पाजी मैंने सुना यहाँ पे किलो के हिसाब से नहीं क्विंटलों के हिसाब से बनाते हो आप? बिल्कुल सर, क्विंटलों के हिसाब से भाजी बनाते हैं। तो पाजी कितने क्विंटल, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल यहाँ पे हो जाती है
2-2.5 क्विंटल पाव भाजी। भाई साहब क्या बात है, इतनी तो मुझे लग रहा है बॉम्बे में नहीं बिकती होगी सर। और 9:30 के बाद में तो हमारे पास ये सामान ही खत्म हो जाता है बिल्कुल। अच्छा जी, तो मतलब जितना भी माल है सारा का सारा 9:30 तक आपकी 2.5 क्विंटल पाव भाजी जो है वो बिक जाती है। बड़े पाव भी है हमारे, भेलपूड़ी भी है। अच्छा, अभी न्यू चालू कर रहे हैं बड़े पाव, अदरक लहसुन का तो डाल दिया, रेड चिल्ली डाल दी है। अच्छा जी, अब जो हमारा मसाला है सिक्योरिटी का है, जो हमारा ये भाई साहब मसाला देखो, ये इनका सीक्रेट मसाला है, खुद तैयार करते हैं ये है जी, सबका सीक्रेट मसाला नमक है। पानी आ गया सिंपल बिल्कुल, इसमें कोई मिलावट नहीं है पानी का। ये देखो तड़का लग गया है जी एकदम जबरदस्त वाला, और लेमन आ गए। अच्छा लेमन, भैया 250 किलो पाव भाजी मतलब लाते कैसे हो भैया? सर वो गाड़ी रखी है, वो इको में ओमनी वैन रखी है, उसी में रख के लाते हैं सारा सामान। अच्छा आपकी पाव भाजी गाड़ियों में आती है? क्या बात है भाजी, मतलब यहाँ पे देखो हम लोग जो है टू व्हीलर्स पे एक्टिवास पे आए, इनकी भाजी जो है वो गाड़ियों में आती है। बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े ऑफिसर सारे यहाँ पे पाव भाजी खाने के लिए आते हैं। अच्छा सिंगर्स और ऑफिसर्स भी यहीं पे खाते हैं जी सर। भाजी ये क्या दुर्मट है? जी सर ये डबनी है, इसको मैशिंग करती है। अच्छा डबनी है, ये सिर्फ हम लुधियाना में मिलती है और यहाँ पे मिलती भी नहीं। जी जी जी, ये मेरे शहर में मिलती है और यहाँ पे इसको डमनी वैसे कहते हैं। एक प्लेट लगा दीजिए, अब इंतजार नहीं हो रहा, आपने तड़का तो इसका लगा दिया है, मुंह में पानी पूरा आ गया है, पर एक प्लेट लगा के दिखाओ यार। जी जी सर, अभी एक मिनट। और पाजी एक बार लोकेशन बता दो, जिसने किसी ने आना हो यहाँ पे खाने के लिए, मैं इधर ध्यान देता हूँ मक्खन पे थोड़ा। लोकेशन है सर हमारी 3B2 जी, खाने के बिल्कुल बैक साइड है, थोड़े से आगे चलते कॉर्नर वाली एक बॉम्बे स्पेशल पाव भाजी के नाम से रेडी है जी, जहाँ पे बाबा जी खड़ते हैं उनके वाले साइड पे ही है। जी जी जी, उसके बाद हमारी शॉप है 3B2 में तनिष्क के शोरूम के पास में, बूथ नंबर 2। अच्छा जी, वहाँ पे भी यही पाव भाजी, भेलपुड़ी और बड़ा पाव। और भैया आपकी टाइमिंग? टाइमिंग सिर्फ 4 बजे से रात को 11:30 बजे तक, 7 डेज ओपन है, कोई छुट्टी नहीं है सर। बहुत बढ़िया भैया, और एक बार आप जो ठेला है जो दुकान है वो भी आप समझ लो, कुछ ऐसी सी दिखने वाली इनकी दुकान है जी, और सिंस 1999 यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये चल गया जी दुर्मट ऊपर से। और भाई साहब ये देखो पाव भाजी जो है, भाजी साइड में हो गए, पाव ने एंट्री ले ली है, और मेरे एप्स कुछ ऐसे दिखते हैं भैया, ऐसे दिखते हैं आपके भी? जी बिल्कुल सर। क्या बात है भैया, इतनी पाव भाजी खाने के बाद भी ऐसे एप्स बना के रखे हैं आपने। और ये क्या है सर? ये सर रेड चिली है, ये गार्लिक है, मक्खन के ऊपर रेड चिली और गार्लिक, और फ्लेवर जो है मक्खन के अंदर भी जबरदस्त हो जाएगा। ये देखो ऊपर से पाव डाल के, ओए होए होए होए, भाई आपको तो मजा आ ही रहा होगा, मुझे यहाँ पे अरोमा सूं के बड़ा मजा आ रहा है, आपको तो देखने में मजा आ ही रहा होगा। ओ भाई साहब ये देखो, एक इधर से शॉट लेते हैं यार सामने से, एक बटर की टिक्की लगभग 4-5 प्लेटों के अंदर खत्म हो जाती है। है जी क्या बोल रहे हो? टिक्की लगभग 4-5 प्लेटों के अंदर खत्म हो जाती है, बटर में कोई कंजूसी नहीं है सर। भाई साहब क्या बात है, कस्टमर की डिमांड होनी चाहिए बस बटर जितना मर्जी। 4-5 प्लेटों में एक बटर की टिक्की? जी आधा किलो की। ओ भाई प्लेट एक के बाद एक अब लगती जाएंगी, भाजी जो है वो डालते जा रहे हैं, और इधर भैया इनको हेल्प कर रहे हैं चटनी और प्याज के साथ। भाई यहाँ पे जो बुरा हाल हो रहा है ना मेरा वेट करने में, ओहो, द अरोमा इज मैजिकल यार, मतलब ऑनेस्टली ऐसा जो खुशबू होती है ना, इसकी वजह से लोग यहाँ पे भीड़ लगाते हैं। देखो पीछे और पाव जो है उनको, अजी एक प्लेट में 4 पाव है? जी सर एक प्लेट में 4 पाव। अजी यूजुअली 2 मिलते हैं, आप 4 देते हो? सर हम शुरू से ही 4 देते हैं बिल्कुल। प्लेट कितने की है? प्लेट 90 की है सर, 90 रुपीज की। बहुत जबरदस्त, करवाने हो तो 20 के 2 पीस एक्स्ट्रा। बहुत जबरदस्त भैया, जबरदस्त। जो बड़े वाला सेक्शन है ना उसमें भाजी आती है, और उसपे आता है जी ये मक्खन, और इधर से यहाँ से आती है जी ये हरी चटनी, और भाई इसके साथ ये प्याज देखो, प्याज के साथ नींबू, आ जाए नींबू आएगा ना भाजी? जी बिल्कुल सर, इसके साथ नींबू, और भाई इसके साथ एकदम करारे इधर पाव देखो भाई, पाव के ऊपर मक्खन और साथ में चिली पेस्ट और एक गार्लिक की पेस्ट, और भाई मैं तो खो गया यार। ओ भाई साहब अजी सच्ची मतलब एक ईंट जो है मक्खन की वो 3-4 प्लेटों में? जी सर बिल्कुल, देखो अभी खोली थी, 4 प्लेटें लगाई है मैंने जी, और अभी 2 प्लेटें लगेगी उसमें खत्म है बस। ओ भैया तो उसकी मतलब 30-40 टिक्की अमूल बटर की मैं लगा देता हूँ आधा किलो। कितनी? 30-40 टिक्की रोज की, 30-40। भाई साहब मेरी आवाज बंद हो रही है। भाई साहब ये देखो ये प्लेट तैयार, बटर बिल्कुल अमूल का ही है, अगर कोई दूसरा बटर हो तो 5100 रुपए इनाम है, बटर 100% अमूल का ही रहेगा, अगर कोई डुप्लीकेट बटर बोल दे तो 5100 रुपए इनाम है। 5100 रुपए मक्खन का, अगर किसी ने बता दिया कि अमूल नहीं है तो 5100 रुपए का इनाम है। 24 साल होगी, 24 साल से अमूल ही बटर बरत रहे हैं, ना बेर का ना कोई डिलीशियस ना न्यूट्रल है। और भाई मेरी तो जो लालच है ना वो इधर है, मुझे 5100 रुपए नहीं चाहिए, मुझे एक प्लेट चाहिए 90 रुपए की। तो भैया अगर मैं प्रूव कर दूं कि अमूल मक्खन नहीं है तो 90 रुपए
की प्लेट दे दोगे? जी जी जी, बस ठीक है भैया। ये है आज का हमारा स्वाद वटांदरा। सबसे पहले तो भाई ये देखो, मक्खन से लथपथ भाजी है और इतना मक्खन है, इतना मक्खन है कि इसमें से तो निचोड़ भी नहीं सकते भाई, ये सारा अंदर जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी पाव भाजी है। इसकी एक प्लेट खाने के बाद ना मुझे 3-4 रातें भूख नहीं लगने वाली, इसके सपने देख देख के मैं सोया करूँगा। और साथ में ये देखो जी, ये इधर बढ़िया एकदम ज़बरदस्त वाली हरी चटनी है। मुँह में पानी इतना ज़्यादा आ रहा है ना कि मैं बता नहीं सकता। और साथ में है जी प्याज और ये नींबू, और नींबू थोड़ा सा जो है ना प्याज के ऊपर डाल ही लेते हैं। ओ हो, इधर से लेते हैं जी एक बाइट। देखो इतना ज़्यादा मक्खन और वो डाला हुआ है कि पाव जो है ना आपस में चिपक चुके हैं यार, बहुत ही बढ़िया भाई। हियर्स अ बाइट। ओ वाह वाह वाह, हियर गोज भाई साहब, हियर्स अ बाइट। मोहाली की फेवरेट पाव भाजी, अगर यहाँ पे आए तो खाना बनता है, तो हियर गोज। भाई सबसे पहले तो खटास आती है नींबू की जो एंड में डाला था, उसके बाद आता है जी कसूरी मेथी का तड़का, और भाई जितना इसमें मक्खन है ना, मतलब इसके मक्खन के अंदर ना लिटरली मैं 5 और प्लेट्स पाव भाजी की बना सकता हूँ, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, इतनी ज़्यादा हैवी ड्यूटी, सब्सटैंशियल, थिक, क्रीमी, जो भी बोल लो, बहुत कुछ है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। पर भाई हम आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं ये प्लेट को ख़त्म करता हूँ। और भाई साहब अभी हम जिस जगह आए हैं मोहाली में, यहाँ पे एक सरदार जी हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चाट, पापड़ी, दही भल्ले, और पाजी क्या क्या लगाते हो? टिक्की है जी, दही भल्ले, पापड़ी चाट जी, मिल्क बादाम कुल्फी। पाजी एक छोटे से सेटअप पे, इतने प्यारे से सेटअप पे आपने इतना कुछ लगा रखा है, तो सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ टिक्की। पाजी वैसे एक आदत मेरी बुरी है, सॉरी। पाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, क्या हाल चाल है पाजी? बहुत बढ़िया जी, सुनाओ जी। पाजी आपका नाम? बलजिंदर सिंह जी। बलजिंदर सिंह जी, पाजी मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा, सीधा शुरू हो गया खाने की तरफ ना। एक्चुअली मैं भुक्कड़ हूँ तो खाने की तरफ ध्यान जाता है। नाम जी की रखी है जी, काम बनाने मतलब है। बिल्कुल सही गल है। तो पाजी ये क्या बना रहे हो? आलू टिक्की है जी। ये है जी आलू टिक्की, और भाई एकदम जबरदस्त मसालों वाली आलू टिक्की। इसमें जीरा नजर आ रहा है और हरी मिर्ची है जी। जी हरी मिर्च है जी। जी और मसाले है जी। जी और पाजी इधर भी दिखा दो जब तक टिक्की फ्राई हो रही है, क्या है? ये गुलाब जामुन है जी, देसी घी होते हैं, ये देसी घी होते हैं। ये है जी देसी घी के गुलाब जामुन, और भाई एकदम जबरदस्त है जी। मेरे अपने बने हैं जी गुलाब जामुन। अच्छा तुझे आपे बनाए हैं? बिल्कुल सर। पाजी ये बनते कितना पहले ना ये दसो। ये खोए और पनीर ना बनते। खोए ते पनीर ना। पाजी एक अद्धा पीस होर कट के दिखाओ, बहुत सोहना लग रहा है। ओ वाह 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 वाह, क्या बात है, जबरदस्त गुलाब जामुन देसी घी वाले। और पाजी यहाँ पे भी मीठा मीठा सामान भी है। हाँ जी हाँ जी, ये मिल्क बादाम है जी। जी ये भी होममेड है सर। मिल्क बादाम भी होममेड है। खाने का काम करने से पहले और क्या करते थे? पूछो ना जी, वो कुछ नहीं था। अच्छा ना पूछिए, चलो दस दो। बड़े पापड़ वेले है जी, जॉब कीती है जी। जी फिर जॉब च मन नहीं लग्या, सड़ता रेस्टोरेंट कीता अपना। अच्छा ते फिर कोरोना आ गया जी। जी ओहदे विच रेस्टोरेंट अपना छड़ना पिया जी अपना। अच्छा जी, काफी नुकसान हो गया जी ओहदे विच। अच्छा जी, और बाबा जी का इनके ऊपर हाथ है। तो ये देखो ये दही आ गया जी, और पाजी ने बहुत मेहनत करी है तब जाके ये सेटअप जो है बढ़िया लगा है। और आजकल जो है पाजी ना मोहाली वालों की जान बने हुए, मोहाली वाले यहीं पे आके चाट, पापड़ी, गुलाब जामुन सब कुछ खाते हैं। पाजी गल दस्यो सच्ची सच्ची, थोनों अपने सेटअप सब तो स्वाद की लगता है? मैनू सारा कुछ स्वाद लगता है, सब कुछ, सब तो वधिया। पाजी कहंदे ने कई बार चाट वाले अपना चाट नहीं खांदे, मैं सारा कुछ खांदा। क्या बात है पाजी। सो ये देखो इमली की चटनी ऊपर से आ गई, और इधर से अब आ जाएंगी जी पापड़ियाँ। और पापड़ियाँ भी पाजी ने ना एकदम साफ तरीके से अंदर पैक करके रखी हुई ताकि मक्खी वगैरह ना बैठे। जूलियंस आएंगे अदरक के, अदरक के जूलियंस और किशमिश, भाई क्या बात है। पाजी एक बार ना लोकेशन समझा दो, क्योंकि वैसे तो मोहाली वाले जानते होंगे, बट अगर कोई बाहर से आ रहा है तो कहाँ पे आना पड़ेगा? 3B2 मोहाली जी, पाल ढाबे के बैक साइड। पाल ढाबे के बैक साइड पे 3B2 मोहाली। और पाजी यहाँ पे एक छोटा हाथी में बैठे हैं, और ये किशमिश आ गई। और पाजी टाइमिंग्स आपकी? टाइमिंग मेरी 5 बजे से लेके 12:30 बजे। टिक्की लगा रहे हैं जी। ये लग रही है जी टिक्की, और टिक्की के पहले तो चिथड़े उड़ेंगे। ये देखो भाई साहब क्या बात है, पलटे से ही इसके। ये पाजी कितने पीस हो गए? कटोकट हो गए होने जी 10-12। चिथड़े हो गए, और ऊपर से आ गए जी मसाले। इसमें नमक है और जीरा है, और साथ में ये आ गई जी हरी चटनी पुदीने वाली। और भाई साहब ये जो इमली वाली चटनी है ना, इसका रंग रूप और इसका जो स्वाद है वो नेक्स्ट लेवल होता है। ऊपर से साथ में आ गया जी ये प्याज। इसमें क्रंच के लिए थोड़ी सी मट्ठी आएगी, क्रंच के लिए मट्ठी, और मुंह में पानी। ऊपर से ओ भाई ये दही, ओ भाई ये दही है, दही है। ये क्रीम लग रही है,
ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਦਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੇ ਨਮਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਔਰ ਜੀਰਾ ਔਰ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਸੇ ਚਟਨੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਔਰ ਭਾਈ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾ, ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਗੱਲ। ਓਹੋ ਹੋ ਹੋ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ? ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੱਖਿਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ 0 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵ ਹੈ ਇੰਦੌਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਗਏ ਜੀ ਜੂਲੀਅਨਸ, ਅਦਰਕ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਪੇਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਲੇਟ ਆਪਕੀ ਟਿੱਕੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਥੋੜਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੀ ਹੋਗਾ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਲੇਤੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਾਈਟ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਈਟ ਆਫ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਿੱਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਦਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਭਾਈ। ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਦਹੀਂ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰੀਮ ਕਿਸਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਓ ਭਾਜੀ ਜੋ ਆਲੂਓ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਡਾਲੇ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਅਜਵਾਇਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਜਵਾਇਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਜਵਾਇਨ ਕਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫਲੇਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਜਵਾਇਨ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਔਰ ਵੋ ਜੋ ਇਮਲੀ ਕੀ ਚਟਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਦਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਸੇ ਖਾਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਕ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ? ਉਦਾਂ ਕਟੋਰੀ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਲੋ ਕਟੋਰੀ ਕਟੋਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਯਹਾਂ ਕਾ। Here's a bite. ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਅਮਿਤੋਜ ਜੀ। ਅਮਿਤੋਜ ਜੀ, ਮੈਨੇ ਸੁਣਾ ਆਪ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਤੇ ਹੋ ਹਰ ਬਾਰ। ਯੈਸ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬੇਹਾ ਥੰਬਨੇਲ ਕੇ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ, ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਹੱਸੋ ਜੀ, ਤੋ ਬਸ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਕੀ? ਜੀ ਸਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸਤੇ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਭਈਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬਾਰ ਜੀ ਸਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਦੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਸ ਮੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਬਤਾਈਏ ਸਰ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਥੀ ਸਰ, ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੰਬਨੇਲ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਖੁਲਵਾ ਲੇਤਾ ਹੂੰ। ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ।